आप हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। वरिष्ठ नेता दीवारे बैठे करके बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष राम किशन जी शर्मा, हमारे शिवाड़ी मंडल के अध्यक्ष राम कुमार जी सूरा, नंदलाल जी बतारी, कमलेश जी भोरका, धर्मवीर जी, आप सभी गांव से आए मेरे सभी बड़े छोटे भाइयों, आज बहुत ही खुशी की बात है। हमारे सांसद महोदय जी को दोबारा इस लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है और मैं हमारे दोनों धर्मवीर जी को, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण है, मैं पिछले बार से इस बार हमें ये आशा है हम उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय। आज हमारे देश में जिस प्रकार से मोदी लाए लोकसभा में भी उसी का ये असर है, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि 12 मई तक आप सभी जो भी कार्यकर्ता है रात दिन मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा अपने इस विधानसभा से अपने प्रत्याशी जीते, यही निवेदन आप सबसे मेरी प्रार्थना है। इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद जय भारत। अपनी एक जिम्मेवारी है कि हम अपने चुनाव को इतना सफल बनाए और दिन रात मेहनत करें और चुनाव जीतना तो तय है, इस बात में तो कोई संशय नहीं है और जिताने का काम करेंगे। और एक संदेश जाए कि कार्यकर्ता मीटिंग इस प्रकार से होगी। आज बहुत बड़ी खुशी है हमें, भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए और हमारे लोकप्रिय सांसद धर्मवीर जी को दोबारा से हमारे यहाँ उम्मीदवार बनाया। हम पार्टी का स्वागत करते हैं, पार्टी का धन्यवाद करते हैं। आदरणीय कार्यकर्ता बंधु, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने नारा दिया था इस देश की सीमाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और आप लोगों ने देखा होगा जब पाकिस्तान ने दुशास किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेना को छोड़ दी और सेना ने सच्ची स्ट्राइक की। और आदरणीय सांसद साहब विजय जी शेखावत, कमलेश जी, धर्मवीर जी, नंदलाल जी, रामपाल जी सूरा और कुछ लोग जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, उमेश जी मतानी, राजेश जी चहड़िया, देवेंद्र जी, राजीव जी, अरुण जी खरखड़ी, और अगर नामों की कड़ी यहाँ पर लेना चाहे तो बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला यहाँ पर है। देखिए, जो चुनाव का वातावरण लगातार पिछले कई दिनों से जो आप लोग देख रहे थे, उसके अंदर जो शक और संशय था कि कौन होगा प्रत्याशी, उस वक्त के अंदर भी सुखद की बात यह चलती थी कि प्रत्याशी कोई भी होगा, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी हमारा होगा, उस वक्त के अंदर भी प्रत्येक व्यक्ति के मन के नजर भाव है। क्योंकि अब प्रत्याशी आपके बीच में है तो चुनाव का माहौल जरूरी है कि सब चलने वाला है। इस चुनाव की मुख्य बातें क्या है? जब एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, मैं राष्ट्रवाद की बात को बहुत दूर करते हुए एक ही बात कहूंगा, परिवारवाद के ऊपर भी चोट करनी है और जिन लोगों ने विकास को रोका उनके ऊपर भी चोट करनी है, जिन्होंने घोटाले पे घोटाले किए, धरती आकाश पाताल को बेचने का काम किया उन लोगों के ऊपर भी चोट करनी है, जिनके मुंह कोयले से भी ज्यादा काले थे उन लोगों के ऊपर भी चोट करनी है, लेकिन वो चोट लटकी नहीं होगी, एक उंगली से दबा कर अपने वोट की चोट होगी, लेकिन उस वोट की चोट को आप किस प्रकार से, उसकी गति को किस प्रकार से बढ़ाए। पहली बात, ये चुनाव देश का है, पंचायत या विधानसभा या लोकल बॉडी का नहीं। एक तरफ आपके वोट से ताकत मिलेगी देश को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वोट गलती से कहीं और चला गया तो उसका प्रधानमंत्री राहुल जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है।
समर्थन। यानी मुकाबला तो नरेंद्र मोदी और उन लोगों के बीच है, और किस प्रकार का पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की बनी है, तो जब कोई मजबूत सरकार बनती है तो ये मान के चलो देश भी मजबूती से आगे बढ़ता है। कमजोर सरकार अगर होगी, बिल्कुल कमजोर होगी, तो ये मान के चलो कि उसके ऊपर तो कोई भी आदमी जन्म में भी झगड़ा करने की सोचता है। गांव में, लुहारू में, कस्बे में तो गरीब सा दुकानदार होने तो आगे जगह में चलो उसका नहीं झगड़ा करेंगे, कोई आलू खाओगा कोई प्याज खाओगे, अगर उसे और दमदार होगा ना तो उसका, और उससे भी पहले जब मजबूत सरकार की बजाय मजबूर सरकार बनी, मिली जुली सरकारें आई, तो एक समय ऐसा था जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। हालात क्या हुए, देश में अपना सोना सारा गिरवी रखा, तब जाके ने तनखा दी, सब में ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान में कोई 2 पैसे की चीज देने के लिए तैयार नहीं है। और जब ऐसा काम हो तो ईमानदारी से बताओ क्या वो परिवार, वो दुकान, वो घर, वो देश, वो प्रदेश चल सकता है? आज देश के मजबूत प्राइम मिनिस्टर बने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, देश का खजाना डॉलरों की वजह से भरा पड़ा, यूए को निबेरा कि हमारी शक्ति कहां से कहां पहुंची, और जब भरा पड़ा है तो विकसित देश, वर्ल्ड बैंक, नबार्ड, दुनिया के दूसरे बैंक एफडीआई के माध्यम से बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप भारत में पैसा देने के लिए थोड़े ब्याज में लाइन में ला रहे थे कि हमारा पीछा लगवा दो, भारत सड़क पर लगवा दो, रेल पर लगवा दो, कारखाना पर लगवा दो, कितने लगवा दो, क्यों न न्यू बेरा से कि देश मजबूत दर्श भरिया पड़िया, और जो हो टोटा चंद्रशेखर की दाल तो क्या हुआ। रेवाड़ी में अंतर्गत से सांसद भाई धर्मवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, लोहारू हल्के के सारे मौजूद आदमी भाई, सबको पता है इलेक्शन शुरू हो गया और हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट बन के धर्मवीर जी आए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री क्या करेंगे, केवल एक ही मुद्दा है देश बचाना है, तो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, क्योंकि आज सवाल देश का है, देश बचेगा तभी मुद्दे बचेंगे, वरना मजबूत प्रधानमंत्री हमें मिला और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपनी छूट दी पैरामिलिट्री फोर्सेज को, डिफेंस के साथियों को, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप सीधा हिसाब किताब कर सकते हो आप अपना। और ये जब होया इनका पत्थर पड़ के देखो, हम अगर आते हैं तो वो सारी पावर डिफेंस की पैरामिलिट्री फोर्सेज की वो वापस दे देंगे। अरे जिसके घर का आदमी फौज में बॉर्डर पर है, रात को नींद नहीं आती, पिछली बार मैंने तो जितने भी चुनाव पाटड़ा से लड़ा रात को पहले दुआ, मैं सोना से टिकट मिली तो भी मैं पहले खाटू श्याम जी का ऋषि रूप से होती फिर सोना, पिछली लोकसभा में भी खाटू श्याम जी के दर्शन करके फिर दुआ, आज भी आज भी उसके बाद बात कर दीजिए, उसके पीछे कोई खास नहीं, हम श्याम जी के भगत हैं यार।
कुछ नहीं, हम लोहारू को थोड़ा सा मानते हैं। आपने पिछली बार 1 लाख समथिंग वोटों से जीत दर्ज की, तो इस बार आप कितना बता रहे कितने? मैं केवल यहाँ की नहीं कहता, प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और आज के हालात के को देखते हुए जिस प्रकार लोहारू के वर्तमान का हौसला है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कम से कम ये बढ़त दुगुनी से ज़्यादा होगी। पिछली बार 1.31 थी तो 2.66 प्लस इस बार प्लस है। जहाँ तक दूसरी पार्टियों का सवाल है, कांग्रेस है उसके पता नहीं उसको कितने ग्रुप हैं, घर में बेरन कितने ग्रुप हैं, लोकदल एक था उसके 2 पार्ट हो गए। सामने नज़र आता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के इस देश में कोई मुकाबले में पार्टी नहीं, और प्रदेश में तो है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है खासकर 3 बातों के लिए, ये देश बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली हजारों साल के बाद, वरना हमलावर लुटेरे इस देश को लूट दिए जाते थे, कईयों ने यहाँ पर राज भी किया, संगठित सेना इस देश में बनी, पिछले 30 साल से देश के अंदर मिली।